दिल्ली सरकार ने डीजल पर लगने वाले वैट में अब तक की सबसे बड़ी कटौती की। दिल्ली में 8.36 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा डीजल। आईएलएनएफएस के ऑडिट के मामले में डेलॉयट के ऑडिटर पर 5 साल का बैन, 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। ड्राइव बाय डाउनलोड साइबर हमला में एशिया प्रशांत में भारत दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है खुलासा। 30 सितंबर तक भर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न्स, सीबीडीटी ने तीसरी बार बढ़ाई आईटीआर फाइल करने की तारीख। बीपीसीएल के निजीकरण के लिए अब तक 30 सितंबर तक लगा सकते हैं बोली, सरकार ने तीसरी बार बढ़ाई तारीख। भारत से उड़ानों को मंजूरी नहीं दे रहा हांगकांग, केंद्र ने फ्लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए मांगी मंजूरी। कोरोना वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए बालकों ने गाने के जरिए दिया संदेश, कहा चुनौतियों का ये दौर जल्दी ही खत्म होगा, हिम्मत ना हारे। एसोचैम ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए मशहूर हस्तियों के साथ लॉन्च की विजडम सीरीज, आईटीसी सनफीस्ट के साथ साझा अभियान। कोरोना काल में महिलाओं को सार्वजनिक शौचालयों के इन्फेक्शन से बचाने के लिए खास डिवाइस लॉन्च, वीमेक की पहल। वर्ल्ड मार्क एरो सिटी में अनूठे अंदाज में खुले रेस्टोरेंट, पेपर मेन्यू की जगह क्यूआर कोड के जरिए अपने मोबाइल से ऑर्डर कर सकेंगे ग्राहक।